नमस्कार दोस्तों, मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपनी नई वीडियो में। तो आज हम आपके लेके आए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फ्लैट, 3 BHK का फ्लैट होने वाला है दोस्तों। फ्लैट काफी खूबसूरत होने वाला है, लोकेशन की मैं बात करता हूं, सेक्टर 8 बी ब्लॉक का फ्लैट होने वाला है मदर डेयरी के पास। जिन लोगों को भी पता है सेक्टर 8 का लोकेशन, बी ब्लॉक मदर डेयरी से जस्ट आपका 2 मिनट का वॉकिंग का फ्लैट होने वाला है। गेटेड गार्डेड सोसाइटी रहने वाली है दोस्तों, बहुत अच्छा लोकेलिटी रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इसकी मैं बात करूँ सराउंडिंग से, तो मेट्रो आपका सेक्टर 8 का जो मेट्रो है वो बहुत ज़्यादा पास होने वाला है, 700-800 मीटर की दूरी पर होने वाला दोस्तों। मार्केट ऑल थ्रू, मतलब आपकी जस्ट लोकेलिटी के मतलब आपके घर से नीचे उतरेंगे आप तो आपको मार्केट मिल जाता है। हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो द्वारका में हॉस्पिटल्स हैं वो सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। स्कूल्स की बात करता हूँ तो सारे स्कूल जो द्वारका के मेन है वो आपको यहाँ पे नियस्ट मिल जाते हैं दोस्तों। ये हो जाती है सारी की सारी मैंने आपको लोकेलिटी की बात बता दूँ। आइए इस फ्लैट को गो थ्रू करते हैं और मैं इसका फ्लैट का जो डिमांड होने वाला है वो एंड बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को दोस्तों। ये हो जाता है इसका लिफ्ट सेक्शन, ये इसका लिफ्ट सेक्शन एरिया हो जाता है। जैसे मैं बता देता हूँ 120 गज में फ्लैट होने वाला है। 120 गज की जो कटिंग होती है सेक्टर 8 में वो उस मतलब रेंज का फ्लैट होने वाला है। ये 120 गज में 3 BHK होने वाला है। ये हो जाता है इसका लिफ्ट सेक्शन दोस्तों, ये से सेक्शन हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं काम चल रहा है फ्लैट में, तो रेलिंग लगना भी बाकी है, वो एट द एंड लगती है जब लोग सारे शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद लगती है, क्योंकि अगर शिफ्ट होने से पहले रेलिंग लग जाती है तो वो सारी खराब हो जाती है दोस्तों। तो इस वजह से रेलिंग लास्ट में लगने वाली है। ये आपका लिफ्ट सेक्शन हो जाता है, ये आपका लॉबी एरिया हो जाता है। सिंगल फ्लैट, सिंगल फ्लोर पे होने वाला है, काफ़ी प्राइवेसी वाला फ्लैट होने वाला है। फ्लैट का ही गो थ्रू करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आ जाता है आपका बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही लविश लग्जरी आपको मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों। 15x18 का आपका लिविंग एरिया, जिसमें देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से वुडन वर्क किया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें आप देखेंगे फॉल सीलिंग का काम किया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें व्हाइट कलर में और हल्का सा जो वुड कलर का कंट्रास्ट होता है, जैसे चॉकलेट कलर का कंट्रास्ट होता है पूरे फ्लैट में, उसको कंट्रास्ट में काम किया गया है। और इसी वजह से इस फ्लैट का जो लुक है, जो एम्बियंस है, बहुत खूबसूरत क्रिएट करता है, यू नो दिस कलर वाइट एंड हल्का सा जो डार्केस्ट टोन होता है। ये हो जाता है दोस्तों आपका सोफा सेक्शन, जहाँ पे आप अपना सोफा लगा सकते हैं। आप देखेंगे आउटर लेन में आपको वुडन वर्क का काम मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर मिल जाता है विच इज़ यू नो ग्लॉसी वॉलपेपर है, बहुत अच्छा टेक्सचर का वॉलपेपर आपको यहाँ पे दोस्तों मिल जाता है, बहुत अच्छा शाइन कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें लगते हैं। सामने मिल जाता है दोस्तों आपको एक अपना टीवी कैबिनेट, जिसने बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरी है बट बहुत खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है और बहुत अच्छा तरीके से इसमें देखेंगे आप डिज़ाइन पैटर्न बनाया गया है। नीचे देखेंगे आप टाइलिंग का काम मिल जाता है, बहुत खूबसूरत टाइलिंग का काम किया गया है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका लिविंग एरिया। साइज़ बता देता हूँ 15x18 का साइज़ होने वाला है, बहुत खूबसूरत काम इसमें किया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अपना किचन एरिया, ये हो जाता है अपना किचन एरिया। तो अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ 10x8 का किचन एरिया हो जाता है, जिसमें प्रॉपर मॉड्यूलर काम किया गया है। कलर कंट्रास्ट देखेंगे तो डार्क कलर में मिल जाता है आपको, ऑन टॉप आपको मार्बल ब्लैक कलर का मिल जाता है, नीचे देखेंगे आप तो हल्का सा लाइट कलर में आपको सारा जितना भी सूरज है वो मिलने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मॉड्यूलर काम किया गया है, बहुत खूबसूरत काम किया गया है। हाइड्रोलिक इसमें आपको स्टड मिल जाते हैं, आपको टाइलिंग का काम मिल जाता है, हिंडवेयर कंपनी का चिमनी मिल जाता है। देखेंगे दोस्तों ये देखेंगे ये वाला जो स्पेस है आपका, ये आपको स्पेसिफिकली फ्रिज का स्पेस छोड़ा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन किचन एरिया में। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका ऑल ओवर किचन, बहुत अच्छी तरीके से स्टोरेज दिया हुआ है। आप देखेंगे ऊपर तक देखेंगे काफ़ी बड़ा स्टोरेज है और अच्छी क्वालिटी का काम किया गया है, ऐसा नहीं है क्वालिटी का काम अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम किया गया है। आप देखिए वेंटिलेशन मिल जाता है आपको, किचन में भी फैन मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें यहाँ पे दोस्तों काम किया गया। ये हो जाता है दोस्तों अपना किचन एरिया, कलर कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लगता है इस वाले किचन एरिया का। देखेंगे साथ ही में आपको एक कंट्रास्ट दिया गया है, एक सेपरेशन दी गई है, जिसको आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने यहाँ पे वाइन्स की बोतल लगा सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। ये हो जाता है आपका लिविंग एरिया और साथ ही साथ में किचन एरिया। आइए अब हम गो थ्रू करते हैं फर्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों ये हो जाता है फर्स्ट बेडरूम, 11x11 का साइज होने वाला है बेडरूम का, बहुत खूबसूरत साइज होने वाला है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया गया है पूरे ही बेडरूम का। आप देखेंगे अलमीरा का भी बहुत सेपरेशन दिया गया है, ऐसा नहीं लगता कि अलमीरा है यहाँ पे बट बहुत ही सेपरेट तरीके से इसमें काम किया गया है कि अलमीरा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। पहले देखेंगे यहाँ पे वुड का काम किया गया है, कलर कंट्रास्ट में व्हाइट के साथ साथ देखेंगे ये व्हाइट कलर का कंट्रास्ट है आपका अलमीरा का, उसी के साथ साथ ये कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लगता है। और ऑल ओवर जो अपना फ्लैट है वो व्हाइट और हल्का सा इस कलर के कंट्रास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा फील देता है पूरा ही फ्लैट। फिर आपको मिल जाता है यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया, जिसमें आप देखेंगे एक मिरर लगा गया है और उसमें लाइटिंग है पीछे, साथ ही साथ में ये नीचे आपको सफिशियन मिल जाता है फॉर योर प्रोडक्ट्स। नीचे मिलेगा आपको टाइलिंग का काम, ऊपर मिलेगा आपको फॉल सीलिंग का काम, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। और इसमें मिलेगा आपको दोस्तों
बहुत ही एलिगेंट तरीके से बनाया हुआ ये आपका वार्डरोब एरिया, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सेपरेशंस मिल जाएंगे आपको दोस्तों, बहुत अच्छी सेपरेशन मिल जाती है, रॉड मिल जाती है। डेप्थ की बात करूँ, ऑलमोस्ट 3 फुट के आसपास की आपको डेप्थ यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ सोनाइका की आउटर पे, तो बहुत खूबसूरत कलर कंट्रास्ट में दिया गया है, साथ ही में ये कलर कंट्रास्ट बहुत ही एलिगेंट तरीके से इस पर काम करता है। उसके बाद इसमें आपको वॉशरूम अटैच मिल जाता है, पर वॉशरूम से पहले हम देखेंगे इसकी बैक साइड की जो बालकनी होने वाली है दोस्तों। इसमें बैक साइड की बालकनी मिल जाती है, बालकनी क्या कह सकते हैं आप इस पर, एक तरीके से बोल सकते हैं ये शाफ्ट है फॉर योर वेंटिलेशन ऑफ दिस रूम, और इस वाले रूम के लिए वेंटिलेशन का काम करता है। नीचे आप देखेंगे तो इधर आपको जालियाँ दी हुई, ऊपर भी आपको जालियाँ दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोग इसको स्टोरेज भी यूज़ करते हैं, और ये आपका एक तरीके से वेंटिलेशन का एरिया मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। क्वालिटी वर्क बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा काम किया गया है। अब आते हैं वॉशरूम पे, वॉशरूम पे देखेंगे काफ़ी खूबसूरत तरीके से काम किया गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया काम किया गया, देख सकते हैं पूरा ही कलर कंट्रास्ट जो है वॉशरूम का ब्लैक कलर के साथ साथ हल्का सा व्हाइट कलर के कंट्रास्ट में काम किया गया है। यू विल गेट द स्मार्ट मिरर हेयर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। कमोड मिल जाता है आपको, आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग मिलने वाली है जैगुआर की, और बहुत अच्छा क्वालिटी का काम किया गया है, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत। साइज़ की बात करता हूँ, 4.5x8 के आसपास का साइज़ होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे ही फिटिंग्स आपको जैगुआर की मिल जाती है, आपको कलर कंट्रास्ट में टाइल मिल जाता है बहुत अच्छे तरीके से, आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाता है, लाइटिंग का काम बहुत खूबसूरत मिल जाता है। साथ ही साथ में देखेंगे आप बहुत अच्छा डोर क्वालिटी का भी काम, पूरे ही फ्लैट में डोर क्वालिटीज का भी काम, जो वुड वर्क है बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे किया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप आएंगे, ये हमारा बेडरूम हमने कंप्लीट किया है, जैसे फर्स्ट बेडरूम। उसके बाद आप चलते हैं तो गो थ्रू करते हैं अपने और भी बेडरूम्स को। तो अगर फ्लोर प्लान की बात बताऊँ, ये आपका एंट्रेंस होता है दोस्तों, एंट्रेंस के बाद आपका फर्स्ट बेडरूम इधर था जो अभी हमने देखा है, सामने आपका किचन हो जाता है, और साथ ही साथ में यहाँ आता है दोस्तों दो गेट, एक बेडरूम यहाँ है एक बेडरूम यहाँ है। उससे पहले हम गो थ्रू करते हैं अपना ये कॉमन वॉशरूम दोस्तों। ये हो जाता है अपना कॉमन वॉशरूम, बट कॉमन नहीं, ये आपका इस वाले रूम से भी अटैच है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ये इस रूम से भी अटैच होने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे ही वॉशरूम एरिया की, तो काफ़ी खूबसूरत कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है, देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज़ है ये आपको, मान लीजिए देख सकते हैं काफ़ी डेप्थ है। ये आपका एक तरीके से शावर एरिया हो जाता है, जैगुआर की फिटिंग मिलने वाली है, ऑलमोस्ट सारी फिटिंग्स आपको जैगुआर की मिल जाती है। इसमें कलर कंट्रास्ट दिया गया है टाइलिंग में, फ्लोरिंग पर टाइलिंग का काम किया गया है, स्मार्ट रूम मिरर मिल जाता है। साथ ही में देखेंगे आप तो ये पोर्शन भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, विद दिस ग्लास और लाइटिंग का काम किया गया है, तो काफ़ी अच्छा काम मिल जाता है दोस्तों। देखेंगे आप प्रॉपरली तरीके से आपको एक बहुत ही बढ़िया काम इसमें आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका एंटर कर देंगे इसी आपका जो वॉशरूम, उससे अपने सेकेंड बेडरूम एरिया में। अगर मैं इसके साइज़ की बात करता हूँ, तो साइज़ होने वाला है इसका ऑलमोस्ट 11x11 का। आप देखेंगे इसका कलर कंट्रास्ट हल्का सा वाइट कलर में कंट्रास्ट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरीके से पियानो फिनिश तरीके से काम किया गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप अगर मैं डोर की ग्लास की बात करता हूँ, तो ग्लास में भी आप देखेंगे दोस्तों अच्छा खासा कट दिया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें कटिंग की गई ग्लास की, बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे आपको सेपरेशन मिल जाता है फॉर योर प्रोडक्ट्स, और टाइलिंग का काम किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से, आप देखेंगे ऊपर फॉल सीलिंग का काम किया गया है। और साथ ही में आपको यहाँ मिल जाता है आपका टीवी कैबिनेट का स्पेस, जहाँ पे एक्चुअली बहुत ही है कि आपको नीचे सेपरेशन दिया जाता है और ऊपर आप टीवी लगाएंगे, बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको यूपीवीसी का काम। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ तो ये साउंड प्रूफ ग्लासेस हैं, अगर मैं इसको खोल देता हूँ दोस्तों तो बहुत ज़्यादा नॉइस आने वाली है, तो ये साउंड प्रूफ ग्लासेस होते हैं। इसमें आपको नेट भी मिल जाता है, ये नेट है आपका मच्छर मक्खी के लिए और वेंटिलेशन के लिए, आप इसको खोल सकते हैं, और ये आपको मिल जाता है क्या बोलते हैं आपका वेंटिलेशन के लिए। आपकी ये बालकनी के लिए एंट्रेंस है, जो कि मैं आपको बताया था, जैसे कि ये आपका जो ग्लास होता है ये एक तरीके से साउंड प्रूफ होता है, ये आपकी बालकनी मिल जाती है। साइज़ की बात करता हूँ तो 3.5 फुट के आसपास की और 10 फुट के आसपास की आपकी बालकनी का साइज़ होने वाला है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सामने की गली की बात करता हूँ तो दोस्त में 22-23 फुट के आसपास की गली होने वाली है, पार्किंग आपको मिलने वाली है इन बिल्ट। तो ये हो जाता है दोस्तों अपना सेकेंड बेडरूम एरिया जो हमने कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ में आप आते हैं अपनी लास्ट बेडरूम एरिया पे, तो दोस्तों आप इधर आएंगे तो आपको मिलेगा ये अपना। इसके अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट मतलब 12x12 का साइज़ है, अगर मैं इस स्पेस को नहीं गिनता हूँ तो ये वाला जो स्पेस है वो 12x12 का स्पेस होने वाला है। बट अगर मैं इस स्पेस को भी काउंट करता हूँ, जैसे कि और रूम बेडरूम में है, इसमें आपका देखेंगे आपको कवर्ड एरिया मिल जाता है, तो ये 12x ऑलमोस्ट 14 के आसपास का साइज़ होने वाला है बेडरूम का।
आप देखेंगे वॉल पे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा एलिगेंट तरीके से इसमें काम किया गया है। इसमें आपको प्रॉपर तरीके एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये आपका मास्टर बेडरूम ही बोल सकते हैं, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत काम किया गया है इसमें। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है दोस्तों आपका ड्रेसिंग एरिया, जिसमें आप देखेंगे मिरर लगा हुआ, सेपरेशन किया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम किया है। इसमें आपको कवर्ड एरिया मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें आप देख सकते हैं डेढ़ कवर मिल जाता है आपको, कवर्ड एरिया का काम देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें काम किया हुआ है। सेपरेशन मिल जाती है, रॉड मिल जाती है, डेप्थ मिल जाती है आपको 2-3 फुट के आसपास की। दोस्तों ये हो जाता है आपका कवर्ड एरिया। इसी में से आप देखेंगे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप गैलरी को आप फिलहाल ये लॉक है शायद, तो इस वाले पोर्शन से भी आप गैलरी अपना, इस वाले बेडरूम से भी आप गैलरी अपना यूज़ कर सकते हैं। ये इससे भी अटैच होने वाला है, तो इस दो बेडरूम से आपको गैलरी अटैच हो जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे UPVC का काम किया गया है प्रॉपर। आप सामने देखेंगे तो गेटेड गार्डन सोसाइटी है, सामने ही गेट लगा हुआ है, हर गेट आपका हर गली के सामने इसमें गेट लगा होता है जो कि रात को बंद हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों फ्लैट का गो थ्रू, बहुत अच्छे से काम किया गया है फ्लैट में, देखेंगे प्रॉपरली फ्लैट का बहुत बढ़िया काम किया गया है, लग्जरी काम किया गया है। इसके अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें भी हमारे पास 3 फ्लोर अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर और टॉप फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर जो है वो बिक चुका है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर रहता है, सॉरी फर्स्ट थर्ड और टॉप फ्लोर रहता है, जिसका फर्स्ट का अगर मैं प्राइस बताता हूँ तो 1,30,00,000 रुपये का डिमांड है। अगर आपको मैं थर्ड का डिमांड बताता हूँ तो 1,25,00,000 रुपये का डिमांड है। अगर टॉप का बताता हूँ तो 1,35,00,000 रुपये का डिमांड होने वाला है, जिसमें आपको रूफ मिलता है तो इसलिए टॉप का ज़्यादा रहता है प्राइस। तो दोस्तों ये हो जाता है फ्लैट आपका गोथ्रू, सारा ही काम आपको सारे फ्लैट में इसी तरीके का काम मिलने वाला है, ऊपर से लेके जितने भी सारे फ्लैट्स हैं सारा ही काम आपको सेम मिलने वाला। तो दोस्तों ये हो जाता है फ्लैट अच्छे से गो थ्रू। साथ ही साथ में ऐसे ही फ्लैट्स यहाँ पे सेक्टर 8 में और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, आपको 210 गज में मिल जाएंगे आपको। अगर 2BHK देख रहे हैं, 2BHK का रेंज रहता है 70 के आसपास का, मतलब आप मान लो 65 से लेके 75-80 के आसपास का डिमांड रहता है। तो डिपेंड है लोकेशन पे और सारी चीज़ों पे, उसका जो साइज़ होता है वो रहता है 72 गज के आसपास, ठीक है। और साथ ही साथ में 210 गज है जिसका डिमांड रहता है 2 से लेके 240 तक, डिपेंड है लोकेशन पे और सारी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। तो उसका भी आप देखेंगे वो भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये जैसे ऑप्शन मैंने आपको दिखाया ऐसे काफ़ी ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे हमारी इस पे भी और मतलब सेक्टर 8 में भी और फ्लैट्स की वीडियो भी आती रहेगी। तो इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए, और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही साथ में DDA Updates के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए। थैंक यू।